ये है सवितर्क न्यूज, सच की आवाज। बिलासपुर से अपूर्व लाल की रिपोर्ट। बिलासपुर में आजाद भारत के सपने और चुनौतियों के नाम से एक संगोष्ठी और अंबेडकर चौक में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें देश में सामाजिक कार्यकर्ता और आंदोलनों पर दमन और विरोध करने वालों पर ऊपर जैसे कानूनों के तहत गिरफ्तार करने पर विरोध प्रकट किया गया। उन कानूनों को समझा और राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग की। बस्तर के आदिवासी और उनके नेता हिड़मे मरकाम बिलासपुर के अधिवक्ता सुधा भारद्वाज स्टैन स्वामी की बिना रिहाई और हत्या के खिलाफ आवाज उठाई गई। लाखन सुबोध, प्रथमेश मिश्रा, अमरनाथ पांडे, गोल्डी जॉर्ज, गायत्री सुमन, दिव्या जायसवाल, रिंचिन, आशीष बेग, लखन सिंह इस आंदोलन में शामिल हुए। यह PUCL और GSS द्वारा आयोजित किया गया और विभिन्न संगठनों ने उसमें भाग लिया। यह है सवितर्क न्यूज, सच की आवाज। और ये जो आप लोग ने यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन किया है, ये किस लिए हो रहा है? 15 अगस्त को देखते हुए हमने आज का कार्यक्रम और धरना प्रदर्शन किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो है भारत की परिभाषा को बदलने की कोशिश की जा रही है और लोगों को कहा जा रहा है कि लोग देश द्रोही हैं और जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको गोली चलाई जा रही है। जमानत नहीं देते हैं जिस कारण स्वामी अभी तो पेट्रोल को सौ रुपए में बोलने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है। अब कोई बोल नहीं सकता। ये है सवितर्क न्यूज, सच की आवाज। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।